स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट टर्म एग्जाम। जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है प्लीज देख लीजिएगा, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्होंने सॉल्व किया है और काफ़ी इफेक्टिव और हेल्पफुल रहेगा वो वीडियो, देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इजी वे में समझ में आएगा, और इसमें भी मैं 100% श्योर हूँ कि इस टाइप के जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस हैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। एकदम इजी वे में समझ में भी आ जाएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोर सब्सटेंस, बोला फोर सब्सटेंस कौन सा, पी क्यू आर एस, अलग अलग कुछ है पी क्यू आर एस, सबका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो पी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, यहाँ पे आप अगर एग्जाम में प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं, पी के सामने पहले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लीजिए कितना होगा, 1.50 दिया हुआ है। क्यू का कितना दिया हुआ है, 1.36 दिया हुआ है। आर का 1.77 एंड दिस वन इज द 1.31 एस का। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम किस में होगा, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है स्पीड ऑफ लाइट उसमें सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा, जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, मीडियम में ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है, तो 1.3 है, ये 7 है, 3.6 है, 50, मतलब सबसे कम किसका है, एस का है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एस का कितना, 1.3, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगा, एस में होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आई होप कि ये क्वेश्चन और इजी वे में आपसे बन जाने हैं। यहाँ पे बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, फिर वही आपका 1.33 ले लेते हैं। उसके बाद बोला है कि ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.43, वाटर है वाटर, उसके बाद आपका सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया आपका 1.43, ओके, और ग्लास का दे दिया है 1.53 एंड द कार्बन डाइसल्फाइड का दे दिया है 1.63। अब यहाँ बोल रहा है रिस्पेक्टिवली द लाइट ट्रेवल स्लोवेस्ट किस में जाएगा, तो हम इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे स्पीड होता है, ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें कम होगा जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगा। तो यहाँ देखते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस में कम है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का 4.3 है, यहाँ पे 1.533 एंड यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड का कितना, 6.3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। इस टाइप का चार, अगर ये क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप का बॉक्स बना के भी पूछ सकता है, ऐसे दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं पी क्यू आर एस और सबका यहाँ पे रिफ्लेक्टिव, मान लें 1.53, 1.42, 1.63 ऐसा दिया हुआ रहेगा, और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन को डिजाइन किया हुआ रहेगा। तो देख लेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए फोर सब्सटेंस पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस दिया हुआ है, इसका सबका रिफ्रैक्टिव तो पी का, फिर उसे ही लिख लेते हैं 1.33, क्यू का कितना दिया हुआ है 1.43, 1.71 एंड 1.52। बोला व्हेन ए रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम एयर इनटू दिस मटेरियल, मतलब एयर से रे ऑफ लाइट आ रहा है दिस मटेरियल में, मतलब पी में आ रहा है, क्यू में आ रहा है, आर में, एस में, तो रिफ्रैक्शन इज मैक्सिमम रिफ्रैक्शन किस में होगा, तो बेंडिंग ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगा, तो बेंडिंग ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, आर का, तो मैक्सिमम आर में होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते, ध्यान से इसको देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ता घटता है तो आपका वेवलेंथ भी बढ़ता घटता है, रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में जाएगा तो वेवलेंथ भी बढ़ता और घटता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे पड़ेगा ही, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है, तो ध्यान में रखिएगा एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, वेवलेंथ पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो अभी हमने देखा वेवलेंथ में तो डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा तो किस पे, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो करेक्ट आंसर इज द टेम्परेचर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, मान लेते हैं ये ग्लास है, ग्लास से एयर में जा रहा है रे ऑफ लाइट, ठीक है, तो ग्लास टू एयर सेपरेटेड बाई ए शार्प बाउंड्री, देन तो एक चीज याद रखिएगा, कभी भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, यहाँ पे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो टूवर्ड द नॉर्मल होगा, और अगर आपका रे ऑफ लाइट ठीक है डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसमें जाना चाहिए था ऐसे, मगर रेयर से अगर डेंसर आएगा तो टूवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस क्वेश्चन को देखने में समझने में ज्यादा आसान होगा आपको, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, मतलब ग्लास से एयर, डेंसर से रेयर में, ग्लास ज्यादा डेंसर है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सॉरी ग्लास से वाटर में जा रहा है तो ग्लास ज्यादा डेंसर है, तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखते हैं, प्रोसीड अनडेविएटेड बैंड टूवर्ड द नॉर्मल, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो करेक्ट आंसर इज द अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ कम टू ए कट डायमंड स्पार्कली बिकॉज ऑफ, कट डायमंड स्पार्कली बिकॉज ऑफ, तो देखते हैं इसका फर्क क्या होता है, इट हार्डनेस के कारण नहीं, इट्स अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्मॉल क्रिटिकल एंगल, हाँ करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है और क्रिटिकल एंगल उसमें बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्रिटिकल एंगल पे हम बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे एमसीक्यू में समझते चले जाइए। ये क्वेश्चन क्या है, काउज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का ट्विंकलिंग होना किसके वजह से होता है, तो पीरियडिक ब्रस्ट ऑफ लाइट फ्रॉम द स्टार नहीं, उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट विथ द स्टार नहीं, यहाँ पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन एटमोसफेयर नहीं, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लक्चुएशन इन द एटमोसफेयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फ्लक्चुएशन मतलब ड्यू टू द रिफ्रैक्शन के कारण ये होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ भी है, व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर, कहाँ से, एयर टू वाटर से जा रहा है, सेपरेट बाई ए शार्प बाउंड्री, तो क्या रेयर से डेंसर में जा रहा है, रेयर से डेंसर में तो क्या हम बताए थे, टूवर्ड द नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगा, बैंड टूवर्ड द नॉर्मल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सन बिकम विजिबल बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड रिमेन विजिबल इवन आफ्टर द एक्चुअल सनसेट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एग्जाम में देखिएगा कभी कभी ना रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों दिया हुआ था, तो स्पेलिंग देख लीजिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि जस्ट बिफोर सीटिंग द सन मे अपीयर टू बी एलिप्टिकल, दिस हैपन ड्यू टू द, फिर भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी दिया हुआ, रिफ्रैक्शन में तो एग्जाम में बहुत बार घाई घाई के कारण बच्चे गलत ऑप्शन पे टिक कर लेते हैं, लगता है उनको कि हम सही जा रहे हैं, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों मेंशन किया हुआ होता है, तो आप देख लेंगे वहाँ पे रिफ्रैक्शन को क्लिक करेंगे, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज रिफ्रैक्शन। नाउ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है, हमने फर्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी अच्छे से किया है, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देख लेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या है, 3/2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब कि एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, मैंने बताया था कि जब ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में है, और अब बोल रहा है कि एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो कुछ नहीं, जस्ट इसको पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2/3, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2/3, यहाँ ऑप्शन में देखेंगे 2/3, सी नंबर 2/3। आई होप कि ये एमसीक्यूज आपको समझ में आए होंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं।